हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भूमिका और ये है मेरी फ्रेंड सोनम भट्ट। आज ये बताएंगे हमें ऑटोक्लेव के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में बहुत ही यूज़फुल होता है और इसको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम ग्लासवेयर और मीडिया और जिससे भी हमें स्टरलाइज करना होता है उसके लिए हम ये ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आज हमारी दोस्त सोनम भट्ट बताएंगी। तो ये ऑटोक्लेव है और इसका जो यूज़ होता है वो स्टरलाइजेशन के लिए होता है। तो जो स्टरलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन और वी कैन से टू रिमूव और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट इन द मीडिया, ग्लासवेयर और फोर्सेप्स, जिनको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ना। अब मैं थोड़ा बहुत इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बताऊँगी। जो ऑटोक्लेव होता है वो होता है मॉइस्ट स्टरलाइजेशन पे बेस्ड होता है और जो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन होता है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्टरलाइजेशन के हमेशा ज़्यादा होती है। तो जो स्टरलाइजेशन होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कंट्रोल पैनल। इसमें जो ये मेन स्विच है जो हमारा इंडिकेट करता है एंड ऑटोक्लेव ऑन करेंगे तो ये रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद है ये लोडिंग। लोडिंग का मीन्स है कि ये बताएगा कि वेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करेगा। ये है हमारा प्रेशर गॉज जो हमारा क्या है, प्रेशर को इंडिकेट करेगा। जैसे हम टेम्परेचर सेट करेंगे प्रेशर जो है वो अपने आप सेट हो जाएगा। फिर है हमारा ये है पैड लिफ्टिंग सिस्टम। जब हम इसे थोड़ा नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये जो हमारा ये लीड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें ये क्या है, रेडियल सिस्टम बना हुआ है। जैसे तो ये जो हमारे क्लैंप्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और हमारा जो लीड है वो ओपन हो जाएगा। ये है हमारा वाटर रिलीज का। अगर किसी कंडीशन में अगर वाटर ज़्यादा हो जाए तो हम यहाँ से वाटर रिलीज़ कर सकते हैं। ये वाला है, यहाँ से हम अपने वाटर लेवल को चेक करते हैं कि हमारा वाटर लेवल कहाँ तक है। एंड यहाँ पे हमारा स्टीम रिलीजर का, ठीक है। अब हमने इसके अंदर है, ये है बकेट, इसे हम ट्रे भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अपने ग्लासवेयर और मीडिया जिसे हमें स्टरलाइज करना है उसे रखते हैं और हम इसे निकालेंगे। एक मिनट, दोस्तों जो हमारा वाटर लेवल होता है यहाँ पे एक टेट्रापोड बना रहता है जिसके ऊपर ये जो हमारी बकेट है वो रहती है। हमेशा जो हमारा वाटर लेवल है उस टेट्रापोड के ऊपर रहना चाहिए और इसके नीचे क्या होता है एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिससे क्या होता है हमारा वाटर जो है गर्म होता है और जो स्टीम प्रोवाइड करवाता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि जो इसमें ये पोर्स बने जिससे कि स्टीम अंदर आएगी और फिर जो भी हमारा ग्लासवेयर होगा या एक मीडिया होगा वो स्टरलाइज होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जो भी सामान रखें उस सामान को हम इस पोर्स से कवर ना करें क्योंकि इस पोर्स से क्या आना है, स्टीम आना है। तो अगर हम उसको पोर्स से किसी भी ग्लासवेयर से इसको कवर कर देंगे तो चांसेस है कि वो अच्छे से स्टीम अंदर ना पहुंचे और सिलाई अच्छे से ना। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। नाउ अब हम इस लीड को बंद कर देंगे। इसके लिए हमारी सेफ्टी वॉल्व और ये सेम वर्क ऐसे करती है जैसे प्रेशर कुकर में वर्क करती है। अगर सपोज कभी हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होती है, ये अपने आप निकल जाती है जिसकी वजह से क्या होता है जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है और हमारा ऑटोक्लेव फटने से बच जाता है। अपने मीडिया या ग्लासवेयर स्टरलाइज करते हैं वो हम करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 15 PSI प्रेशर और इसे हम रखते हैं 20-30 मिनट्स के लिए और इस तरह हमारा पूरा स्टरलाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।